है एवरी वन टूडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फैंटम लिम पेन सो फैंटम लिम पेन जिसे आप पी एल पी भी एवरीवेट कर सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ पेन जो कि ऐसी जगह पर एक्सपीरियंस हो रहा है जो बॉडी पार्ट प्रेजेंट नहीं है रिमूव्ड बॉडी पार्ट में ऐसा पेन फील होना इज नोन एज फैंटम लिम पेन ये बहुत ही पोअरली अंडरस्टूड क्लिनिकल फनोमिना है ये अभी भी अंडर रिसर्च है बहुत सारे इसके इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं सिक्सटी टू एटी परसेंट पेशेंट जो कि पोस्ट एम्पुटेशन के बाद फैंटम लिम पेन को एक्सपीरियंस करते हैं क्लियर है एम्पूटेशन का मतलब हुआ कि बॉडी पार्ट को रिमूव करना किसी रीजन से इट कैन बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्यूमर एक्सीडेंट इंजरी बॉडी पार्ट को जिसमें रिमूव करना पड़ता है जिस भी केस में उसे हम एम्पूटेशन कहते हैं क्लियर और पोस्ट एम्पूटेशन ये पेन ज़्यादा फील होता है जो आपका फैंटम लिप पेन है ना ये किसी भी टाइप का पेन हो सकता है इसमें कोई वो नहीं है बैरियर नहीं है कि इसी टाइप का पेन होगा क्रशिंग पेन हो सकता है हॉट आयरन टाइप बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है क्रैम्पिंग शूटिंग पिन और नीडल्स जैसी सेंसेशंस भी यहाँ पे फील होती है और जिसका लोकलाइजेशन है जितना ज़्यादा डिस्टल एरिया होता है डिस्टल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर पे ये पेन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जैसे फिंगर्स या टोज पे इंडिपेंडेंट ऑफ़ एज ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर एज ग्रुप में के पेशेंट में होता है या पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज जेंडर एंड द लेवल और द साइड ऑफ एम्पूटेशन किसी भी एरिया को एम्पोटेट किया गया है तो जो रिमेनिंग स्टम्प है उसके बाद जो एरिया प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर ये पेन फील होना दैट इज़ फैंटम पेन नेक्स्ट इज योर फैंटम सेंसेशन फैंटम सेंसेशन भी कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर सकता है आफ्टर एम्पूटेशन और ये बिल्कुल फैंटम लिम पेन से बहुत डिफरेंट है ये तीन टाइप के सेंसेशंस हो सकते हैं आपकी काइनेटिक सेंसेशन हो सकती है लाइक मूवमेंट को पेशेंट सेंस कर रहा है उस एक्सट्रीमिटी में जो प्रेजेंट नहीं है काइनेस्थेटिक हो सकता है लाइक like आपका सेंस ऑफ पोजीशन मूवमेंट साइज शेप ऐसी सेंसेशंस एक्सटेरोसेप्टिव भी हो सकती है ये टच या प्रेशर टेम्परेचर्स को पेशेंट सेंस कर पा रहा है दिस इज़ फैंटम सेंसेशन दिस इज़ यूनिवर्सल एंड दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेन जो आपका ऑनसेट ऑफ फैंटम पेन है ना ये भी बहुत ही वैराइटीज़ में आपको इसमें रिपोर्ट्स मिलेंगी जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें इमीडिएटली आफ्टर एम्पूटेशन जो है वो पेन फील करता है कुछ वीक्स के बाद पेन को फ़ील करते हैं और रेयरली कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे जो मंथ के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में पेन फील करते हैं या फैंटम पेन एक्सपीरियंस करते हैं यू एस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थ्री टू फोर परसेंट ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्हें फैंटम लिम पेन आफ्टर अ ईयर एक्सपीरियंसड हो रहा है नेक्स्ट इज़ योर इटियालॉजी ऑफ फैंटम लिम पेन जिसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज़ योर पेरीफिल थ्योरी पेरीफ्रल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी एरिया में जिस लिम्प में आपने एम्पुटेशन किया एम्पुटेशन के बाद जो रिमेनिंग एरिया बचता है उसे हम स्टंप कहते हैं तो स्टंप में कुछ रिमेनिंग नर्व्स होती हैं वो नर्व्स क्या करती हैं ग्रो होकर के न्यूरोमास डेवलप कर देती हैं न्यूरोमास एक तरीके का आपका नर्व फाइबर का ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर होता है जो नर्व फाइबर में डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से पेन का इम्पल्स जो है वो परसीव होता है और ऐसे लिम्प से पेन परसीव होता है जो कि रिमूव हो चुका है और इसके सीवियरिटी जो है टेम्परेचर के साथ और ज़्यादा चेंज हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे कि जब ही आपका कि जब नर्व्स कूल cool होती है ना तो उसके जो नर्व्स एंडिंग्स होती हैं उसमें जो नर्व फायरिंग्स होती हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उस केस में जो पेशेंट है वो फैंटम पेन जो है वो एक्सपीरियंस करता है जैसे ही नर्व जो है अगर ये न्यूरोमास वाला जो लम्प है ये कूल uh, टेम्परेचर cool के एक्सपोजर में आता है तो नर्व फायरिंग और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है नर्व फायरिंग का मतलब होता है नर्व टू नर्व जो कम्युनिकेशन होता है ना आपके थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और न्यूरो के थ्रू ये कम्युनिकेशन बढ़ जाता है तो इस वजह से पे जो पेन है वो ब्रेन में परसीव होता है एज अ फैंटम लिम पेन क्योंकि ऐसी जगह से पेन परसीव हो रहा है जो प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट इज़ आवर सेंट्रल थ्योरी जो हमें मेलजेक ने दी थी मेलजेक के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी होती है जो हमारी बॉडी uh, की जितनी भी सारी मूवमेंट्स uh, होती है सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में एज अ मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स ऑफ न्यूरो स्टोर रहती है जितनी भी हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस हम फील करते हैं वो एज अ यूनिक न्यूरोमेट्रिक्स हमारे ब्रेन में इम्प्रिंटेड हो जाती है न्यूरोमेट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपके आपके लिए एक ऐसा न्यूरल पैटर्न जनरेट कर रहा है जिससे पेन प्रोड्यूस हो रहा है राइट तो अगर किसी भी तरीके का सेंसरी एक्सपीरियंस पेशेंट फील करता है तो उससे एक न्यूरोमेट्रिक्स जनरेट होता है जो ब्रेन में इम्प्रिंटेड हो जाता है सो so, लिब को रिमूव करने से पहले पेशेंट को किसी न किसी तरीके का एक्यूट या सीवियर पेन फील हो रहा होगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ट्रामा ट्यूमर इंजरी कुछ हुआ है तभी तो आपने लिम्ब को रिमूव किया है सो so, वो जब बिफोर एम्पुटेशन किसी भी तरीके का पेन उस लिम्प में फील कर रहा था वो पेन एज अ न्यूरोमेट्रिक्स उसके ब्रेन में इम्प्रिंटेड हो चुका है तो अब आप वो आपने वो जो लिप रिमूव कर दिया उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि जो ब्रेन है उन सारे सेंसरी uh, इंपल्सिस को उन सारे सेंसरी मेमोरीज को री ऑर्गनाइज़ uh, करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट को कई बार फैंटम लिम्प पेन एक्सपीरियंसड होता है नेक्स्ट इज़ योर स्पाइनल थ्योरी स्पाइनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी पेरिफेरल नर्व्स थी जो एम्पुटेशन के दौरान कट गई उन सभी नर्व्स में जो सेंसरी इनपुट था उसका लॉस हुआ और जितना भी लेवल ऑफ एम्पुटेशन था जितना भी एरिया कट हुआ उस पूरे एरिया में जितने भी न्यूरोकेमिकल्स थे वो कम हो गए सो न्यूरोकेमिकल्स के कम होने की वजह से क्या हुआ आपका पेन पैथवे में ऑल्ट्रेशन आ गया जो डॉर्सल हॉर्न से जो पेन पैथवे बन रहा था उसमें ऑल्ट्रेशन की वजह से पेशेंट को फैंटम लिम पेन एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू स्पाइनल थ्योरी सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैंटम लिम पेन होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय बाय टेक केयर